वही पुराना मंत्रिमंडल, वही सबको विभाग दे दिए गए हैं, वो जाएंगे अब ना उनको कागज जलाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, एज इट इज वो चलते रहेंगे। जो गलतियां की है उसको छिपाने के लिए पुनः वही विभाग दिए हैं कि दूसरा आएगा तो हो सकता है, जैसे कि ईडी और सीबीआई भेज के निर्दोष आदमी को जो विपक्षियों को बंद करा दिए हों और उनको अनायास का हरासमेंट किए हों और बाद में जांच हुआ तो कुछ नहीं साफ सुथरे निकल के आए। ये 5 साल फूलों से गुजर जाएंगे, ऐसा वहम मन में कतई मत पालना। इस बार आपको पता चलेगा कि क्या होता है टूटे हुए नाड़े के साथ पैजामा संभालना। जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? मंत्री अब बदलने की उनकी पोजीशन नहीं रही, ये भी आप मान लीजिए। सबसे बड़ा बदलाव तो यही, इन्होंने बोला था ना बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो 400 पार नहीं हुए, ये सबसे बड़ा बदलाव हो गया। और सबका साथ सबका विकास कहते थे, एक मुस्लिम कैंडिडेट बता दीजिए। ये बताइए कि मोदी ने कहा था कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, बदलाव होगा, नए मंत्री नए चेहरे बनाए जाएंगे, राजनीतिक बदलाव होगा, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऑन ग्राउंड मंत्री बने लेकिन चेहरे वही हैं, क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो बात के धनी आदमी नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है वो बात के धनी नहीं हैं। पहले जैसे कहते 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, तो वो कहाँ की, तो ऐसे है ये मंत्रिमंडल का भी वही है। और विशेषकर जो मंत्री बनाए हैं उस मंत्रिमंडल ने या वो मंत्री ने जो गलतियां की है उसको छिपाने के लिए पुनः वही विभाग दिए हैं कि दूसरा आएगा तो हो सकता है, जैसे कि ईडी और सीबीआई भेज के निर्दोष आदमी को जो विपक्षियों को बंद करा दिए हों और उनको अनायास का हरासमेंट किए हों और बाद में जांच हुआ तो कुछ नहीं साफ सुथरे निकल के आए, जैसे यही मोदी जी लगाए थे अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं और जब सुना केस वापस हो गया, सब काम समाप्त हो गया, ईडी सीबीआई गई और जांच फांच हुआ और फिर समाप्त हो गया, तो ठीक वैसे मोदी जी जो है इन मंत्रियों के इसलिए पुनः बनाए हैं कि जो इन मंत्रियों ने गलत किया है वो छिपा रहे, इसलिए बनाए हैं। और मोदी जी जो है बात के धनी आदमी नहीं, मैं बार बार कहता हूँ मोदी जी बात के धनी आदमी नहीं है, ये तो जनता यहाँ की पता नहीं कौन है। जो व्यक्ति अपने को भगवान कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, जब इस तरह का जिसके अंदर अहंकार आ जाए वो आदमी क्या कहेगा, जो चाहेगा वही करेगा। आप ही बताइए कि उन्होंने कहा था ना कि मैं अब की बार नया मंत्रिमंडल लाऊंगा और अजीब तरह का मंत्रिमंडल होगा और बड़ा लोक लुभावन नारा दिए, लेकिन ऐसा नहीं किए। तो ये मोदी जी हैं, मोदी जी कहते थे 400 पार और उनके समर्थक भी वही, और वो गोदी मीडिया को मैं कहना चाहूँगा कि उनको सजा मिलनी चाहिए जो 400 पार का के एक बिल्ड किए, यानी एक तरह का वो बनाए माहौल बनाए कि अरे यार वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, तो वोट प्रतिशत बढ़ा दिए, नहीं तो ये 150 पे निपट जाते, 150 न क्रॉस कर पाते। जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, ये सरकार बताए तो, लेकिन ये बताती नहीं है। जब आप मूल प्रश्न पूछेंगे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार तो बताएंगे कि हम पाकिस्तान पे वो लड़ाई छेड़ दिए, उग्रवादी मार दिए, तो कहेंगे मंदिर बना दिए, ये कर दिए। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, मंत्रिमंडल में तो कोई विस्तार नहीं देखने को मिला है। मैं 5 साल की सरकार की क्या स्थिति रहेगी उस पर एक लाइन बोलूंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि ये 5 साल फूलों से गुजर जाएंगे, ऐसा वहम मन में कतई मत पालना। ये 5 साल फूलों से गुजर जाएंगे, ऐसा वहम मन में कतई मत पालना। इस बार आपको पता चलेगा कि क्या होता है टूटे हुए नाड़े के साथ पैजामा संभालना। अब जो स्थिति इस परिणाम से है ना, तो वो वाला नहीं चल पाएगा कि जो मर्जी आए करें। तो अब जब आप 240 लाए हैं और दूसरों की चाहिए मदद उसमें, तो कुछ अलग नए मंत्री उन्त्री नहीं आए, वही मंत्री अब सारी पावर उनके हाथ में रही नहीं ना। जब अगर मैं एक छत्र मेरा राज हो तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब पहली बार डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट चलेगी, इसमें औरों से भी सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, लेकिन नारा और पैजामा हरदम पकड़ना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए, आपको लाइन समझ आ गई होंगी। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जब से ये चुनाव परिणाम आए हैं इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली हैं। आप देखे होंगे कि कैंपेनिंग के टाइम पर चल रहा था कि संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, 400 का नारा लगा रहे हैं। वहाँ से मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि दिल में रहम भले ही ना हो मगर घड़ियाली आंसू बहाना पड़ता है।
दिल में रहम भले ही ना हो मगर घड़ियाली आंसू बहाना पड़ता है। जनता अगर एकजुट होकर सबक सिखाने पर आ जाए तो संविधान के आगे सर झुकाना पड़ता है। पहला एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव निकल कर आया झुकाया से उन्होंने झुकाया। दूसरा अयोध्या पे रोना रो रहे हैं, उस पर सुन लीजिए कि किसी के बाप की नहीं अयोध्या रामलला का धाम है, किसी के बाप की नहीं अयोध्या रामलला का धाम है। बिना कैमरों के मत्था टेको यहाँ राजनीति का नहीं कोई काम है, ये अयोध्या ने स्पष्ट किया है। दूसरी चीज़ आप देखे होंगे कि वीडियोस अब निकल कर आ रही हैं कि बुलडोजरों से घर तोड़े गए या सही मुआवजा नहीं दिया गया, आप देखे होंगे इस समय वायरल हो रहे हैं जबकि ये घटनाएं हो सकता है 2-2.5 साल पहले की हो। वहां से एक बात सुन लीजिए कि छिपाकर दर्द लोगों का टीवी पर सिर्फ अपनी ख्याति दिखाओगे, छिपाकर दर्द लोगों का टीवी पर सिर्फ अपनी ख्याति दिखाओगे, आज अयोध्या हारे हो कल पूरा देश हार जाओगे। अब आप देख रहे हैं आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत ने भी एक तरीके से नाराज है इनके चालो चलन से, वरना जिस आदमी को आरएसएस का ये सब सारी वजह आप बता रहे हैं जिसके वजह से मंत्री लोग बदले नहीं। इसलिए आपको क्या लग रहा है मंत्रिमंडल में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बदलाव होगा राजनीतिक, कुछ बदलाव होगा, नए मंत्री आएंगे, मंत्रियों में बदलाव होगा, यहाँ तो सब वही दिख रहा है। ये पुरानी टीम फ्लॉप टीम जो है जो हर बार क्रिकेट हार जा रही है उसी को कंटिन्यू कर दिया, जो देश को गड्ढे में डाल दी थी, अर्थव्यवस्था को ऐसी तैसी कर दी थी, पेपर लीक हो रहा था, वही टीम वापस आ गई। देखिए ये मोदी जी हैं, तलवार लेके सबको मारे पड़े थे, 370 कर दिए, उसके बाद बच्चे लोग ने बोला पेपर लीक तो ये तलवार चला दिए, 2 CM बोले तो ये तलवार चला दिए, उनको जेल भेज दिया, फिर उसके बाद आपका मणिपुर वाला हुआ तो तलवार चला दिए। अब क्या हुआ है कि इंडिया गठबंधन ने उनका पैजामा का नारा टान दिया, वो तलवार छोड़ के पैजामा पकड़ लिए हैं और पकड़ के रखे हैं, तलवार फेंक दिया है और ये 5 साल तक अपना पैजामा पकड़े रहेंगे, क्यों अगर तलवार उठाने की कोशिश किए तो पैजामा गया, तो ये हालत हो गई है। 20 तारीख को स्पीकर का गठन होना है, चुनाव होना है, चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि अगर ये स्पीकर का इनका आ गए तो चंद्रबाबू की जो TDP है वो TDP नहीं होगी, नकली TDP हो जाएगी और JDU भी नकली हो जाएगी, दोनों खड़े रहेंगे नीतीश बाबू और चंद्रचूड़, और असली कोई और होगी जैसे उद्धव ठाकरे की है और शरद पवार की है। तो 20 तारीख को अगर ये लड़ाई नहीं लड़े और 6 महीने बाद 272 ये खरीद लेंगे, 50 खोके सब ओके कर करके ले आएंगे, 272 इनकी हो जाएगी और फिर ये दोनों बेचारे बैठे रहेंगे कि भैया मेरी तो चुनाव चिन्ह छीन लिया। इतना कम मत आके चंद्रबाबू नायडू ने, यही मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं आंक रहा हूँ, इसलिए चंद्रबाबू को 20 तारीख को गेम करना पड़ेगा। विपक्ष आपके साथ है, लोकसभा स्पीकर आपका ही होना चाहिए, विच आपका होना चाहिए, विच आपका नहीं होगा तो EDCB भेज CBI भेजेंगे, अगर आपका स्पीकर नहीं होगा तो ये आपका पार्टी तोड़ देंगे। आप ये बहुत, अगर अखिलेश मुसलमान का एम कह दें या कांग्रेस मुसलमान का एम कह दें तो इनके छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक सुबह से शाम आफत कर देंगे, अरे मुसलमान को सब दे देगा, मुसलमान को सब दे देगा, छाती पीटने लगेंगे। आज ये चंद्रबाबू नायडू मुसलमान लोगों को क्या क्या दे रहे हैं, 50 साल के ऊपर वालों को पेंशन दिया जा रहा है, हर मस्जिद के लिए रखरखाव के लिए 5,000 रुपया महीना, 1,00,000 रुपया सालाना दिया जा रहा है, ईदगाह के लिए ज़मीन दी जा रही है, हज कमेटी के लिए ज़मीन दिया जा रहा है। अरे मोदी आपकी नीति और नियत का कोई बात है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो चंद्रबाबू को कि खाली सत्ता चाहिए, तुम्हारी कोई नीयत नहीं है, तुम्हारा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तुम्हारे कोई विचार नहीं है, तुम सिर्फ सत्ता पालोगे उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहली बात तो इनको बड़ा गुमान था कि ये 272 का आंकड़ा पार कर लेंगे और ये वो नहीं कर पाए, अब आनंद फानंद में कितनी जल्दी सरकार बनाई, नहीं तो कहीं ना कहीं इनका समर्थन नहीं हो पाता तो फाइलों में आग कैसे लगा पाते, अब आग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वही पुराना मंत्रिमंडल वही सबको विभाग दे दिए गए हैं, वो जाएंगे अब ना उनको कागज़ जलाने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, एज इट इज़ वो चलते रहेंगे, मगर समस्या तो तब खड़ी होगी जब स्पीकर की बात आएगी, समस्या तो जब खड़ी होगी जब लोकसभा का सत्र शुरू होगा, तब हम देखेंगे, पूरा देश देखेगा। एक एक पूर्ववर्ती सरकारों ने जो तिनका जोड़ जोड़ करके भारत का निर्माण किया था, भारत का सपना सजोया था, भारत के संविधान
के तहत उन्होंने जो माला का निर्माण किया था, आधुनिक माले का निर्माण किया था, जो विकास का संकेत करता है, जो सद्भाव का संकेत करता है, जो राष्ट्र के मिल्लत का संकेत करता है, उसको केवल आपने छिन्न भिन्न करने का काम किया। और यहाँ बस वही दिखाई देता है कि आपकी गारंटी बिस्तर देखें, बिस्तर के सिलवटों से इनका 10 साल का कार्यकाल एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर, यही मोदी की गारंटी है। जय हिंद। बात बताइए, उन्होंने तो नौकरी देने के लिए बोला, क्या वादा पूरा हुआ? हुआ आप बताइए। तो वो उनका तो ये जुमला रहता, कह देना और हट जाना, तो उनसे क्या बात, उनका क्या इसमें है? वो कहना और हटना उनका पुराना पेशा है। रही बात मंत्रिमंडल में, जिससे वादा किया उसको दो, नहीं दोगे तो बस वो लोग अपना समझेंगे खुद ही। बदलाव होता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर कुछ काम भी होता। विकास की बात करते हैं, अगर इन्होंने विकास किया है तो विकास के नाम पे वोट मांगे ही नहीं। 19 अप्रैल से वोटिंग स्टार्ट हुई, 1 जून तक के पूरे बीजेपी वालों के जितने स्पीच उठा के देख लिए, कहीं पर इन्होंने ये क्या हो कि मैं ये डेवलप करूँगा, विकास करूँ, कहीं बात करी सिवाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान मंगलसूत्र घुसपेटी, यही सब बातें हुई, तो क्या विकास होगा? ठीक बात। आपको क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल में कुछ नया चीज देखने को नहीं मिला है? बहुत कुछ नया देखने को मिला है। एहसान फरामोशी दिखा दी। सबसे बड़ा बदलाव तो यही, इन्होंने बोला था ना बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो 400 पार नहीं हुए, ये सबसे बड़ा बदलाव हो गया। और सबका साथ सबका विकास कहते थे, एक मुस्लिम कैंडिडेट बता दीजिए जिसको मिली हो सीट, जिसको क्या कहते हैं सदस्यता मिली हो, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, एक भी कैबिनेट में या राज्य में मंत्री बता दीजिए किसी मुस्लिम को मिला हो? नहीं मिला है। किसको मिला आप नाम बता दो? किसी को नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला। तो आप किस तरह से कह सकते हो कि सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हो आप? हैं, आप दोगली राजनीति खेलते हो। अभी तो अब इनके मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? चंद्रबाबू नायडू ने जो ऐलान किया है 1 लाख की सब्सिडी के लिए हज यात्रा पर, अगर इनकी पूर्णता सरकार होती तो आपको लगता है कि ये सब्सिडी मिलती है? अभी चंद्रबाबू नायडू के आगे आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि मालूम है बैसाखी पर सरकार है, जरी से बैसाखी सरकी तो हमारा काम लग जाएगा। तो आप खुद समझदार हो, तो बदलाव तो हो ही रहा है, अभी धीरे धीरे बदलाव होगा। ये उस सरकार का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का मामला है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो डोट उनकी हार हुई है, वो UPP की 60,000 भर्ती, 75,000 शिक्षक भर्ती, धरने धरना दे रहे हैं, पेपर लीक आउट हो रहा है, शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, महंगाई पर इनकी कोई न मीटिंग हो रही है, न महंगाई पर एक कोई काम कर रहे हैं। इनको कम से कम महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। अमीर के लिए शिक्षा अलग, गरीब के लिए शिक्षा अलग और परीक्षा एक समान। तो देश की जनता राहुल से और मोदी जी से, दोनों लोगों से देश की जनता सवाल करती है, आखिर महंगाई पर कब इनकी मीटिंग होगी, भ्रष्टाचार पर कब मीटिंग होगी? थाने से मंत्री बदलते तो होता नहीं, कभी नहीं होगा। जब मुखिया सही हो जाएगा, मंत्री क्या कर सकता है? मंत्री की औकात ही नहीं है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान बनाए गए कृषि मंत्री, वो कुछ अलग करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लीन स्वीप दिया, उन्होंने वहाँ अपना काम किया। लेकिन अब जनता ने इस सरकार पर भरोसा किया, 2 बार प्रचंड बहुमत में लाया, लेकिन इसलिए लाया था कि इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, चोरों को जेल में डालेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं पाए।